डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। यौन शोषण केस में सजा काट रहे राम रहीम को एक बार फिर मिली 30 दिनों के लिए पैरोल। सिरसा डेरा सच्चा सौदा, प्रमुख राम रहीम जल्द जेल से बाहर आएंगे। बता दें, कोर्ट ने बाबा की 30 दिन की पैरोल मंजूर कर दी है। वह कुछ समय में रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आएगा। राम रहीम इस बार भी यूपी के बागपत स्थित बर्नावा आश्रम में रहेगा। राम रहीम को सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं है। इससे पहले उसके लिए सिरसा से घोड़े और गाय पहुंच गए हैं और वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल साल 2017 में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वियों ने रेप के मामले में पंचकूला की CBI कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी। तब से वह हरियाणा की सुनारिया जेल में अपनी सजा काट रहा है। CBI की पंचकुला अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी डेरा प्रमुख को दोषी ठहराया था। इस मामले में भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यही नहीं, डेरा प्रमुख राम रहीम कुछ एक समारोह के कथित तौर पर गुरु गोविंद सिंह की नकल करने के आरोप भी लग चुके हैं। सिखों समुदाय ने उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था। डेरा प्रमुख पर साधुओं को नपुंसक बनाने के भी आरोप लगे थे। साधुओं को ये कहकर नपुंसक बनाया गया कि ऐसा होने से वो लोग प्रभु को महसूस कर सकेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट की।